गाइस, मैं और जोरो निकले थे एडवेंचर राइड पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स नंदौर वैली। हम लोग जाएंगे वहाँ पे, एक फॉरेस्ट का डाक बंगला है, वहाँ स्टे करेंगे आज। तो हम लोग एक छोटे से ब्रेक ले रुके हैं, बहुत देर से बाहर देख रहे हैं कि जंगल के अंदर क्या है। इसे जंगल से बहुत प्यार है दोस्तों। ये बेजमा जरूर है लेकिन ये हमें अच्छी तरफ समझते हैं। मेरा मानना ये है कि आप हम सभी को इनकी केयर करनी चाहिए, इनसे प्यार करना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ जितने भी मुझे स्ट्रिक्ट डॉग्स मिलते हैं उनके लिए मैं मेरे से जो होता है मैं वो करता हूँ। जोरो और मैं दो दिन से कहीं नहीं गए थे तो ये आज मेरे बिना रह नहीं पा रहा है। इसको जंगल घूमना था तो मुझे भी लगा कि मुझे इसे लेके जाना चाहिए कहीं ना कहीं। नदी का पानी है ये, देखिए आप जो सैंड देख रहे हैं ये रेता जो है बारिश की वजह से ही आया हुआ है। सामने रिवर दिख रही है और रिवर का पानी इस जंगल में आया था। तो बरसात में बहुत सारे नाले यहाँ पे हैं जिनका पानी यहाँ पे आता है। तब हम लोग यहाँ पे एक नाला आने वाला है जिसका नाम है शेर नाला, उसको हम लोग क्रॉस करेंगे। बरसात में कई गाड़ियाँ इसमें बह जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। पॉन्ड है स्पेशली हाथियों के लिए बनाया गया है कि हाथी यहाँ पे नहाए और जितने जानवर जंगल के हैं रात को यहाँ पानी पीने आते हैं। अगर आप यहाँ पर रात में आएंगे तो आपको जानवर पानी पीते हुए दिख जाएंगे। इसको ना इसको जानवरों की स्मेल आ रही है यहाँ पे, इसे ये बार बार सूंघ रहा है क्योंकि इसे कई प्रकार के जानवरों की स्मेल आ रही है। क्योंकि फर्स्ट टाइम ये ऐसे ये देखो स्मेल कर रहा है ना, इसको जानवरों की स्मेल आ रही है। लेकिन जोरो बहुत एक्साइटेड है आज। बट हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि जोरों के लिए बहुत रिस्क है क्योंकि लेपर्ड जो है हमेशा डॉग पे नज़र रखते हैं। तो इसीलिए मैं इसको बांध के रखता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ जंगल में, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता हूँ क्योंकि काफ़ी रिस्क है इसके लिए। इसकी स्मेल से जो लेपर्ड है वो अट्रैक्ट होता है। यही रीज़न है कि मैं जोरो को हमेशा अपने साथ रखता हूँ, अपने साथ बांध के रखता हूँ। ये जितना मेरे करीब रहेगा तो उतना बढ़िया रहेगा। तो ये स्मेल के पीछे गया तो मैं इसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो मैंने देखा कि यहाँ पर कोई पानी पीने आया होगा, टाइगर ने उसको किल किया है। टाइगर ने किल करने के बाद से यहाँ पे खाया है, मैं दिखाता हूँ आपको। जोरो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए। अगर आप इसको नजदीक से देखें, ये सामने देखिए, क्योंकि अब खाली स्केल्टन बचा है तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि यहाँ से निकल जाना चाहिए अभी टाइमली, क्योंकि स्मेल आ रही है और शाम का टाइम है। जोरो के लिए भी रिस्क काफ़ी बना हुआ है। हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, हमें टाइमली यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि आगे रूट बहुत लंबा है और काफ़ी आगे भी हमें जाना है। हम लोग एक बहुत खूबसूरत लोकेशन पे पहुंचे हैं। इतनी खूबसूरत है, एक बार मैं आपको व्यू दिखाने की कोशिश करता हूं। सामने दिखाइए। ओके बाय बेटा। हम लोग डाक बंगले में पहुंच गए हैं। मैं उसका एंट्रेंस गेट आपको दिखाता हूं। पहले ऊपर देखिए, नंदौर सेंचुरी ये है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ म्यूजियम भी है, जौलासाल फॉरेस्ट गेस्ट हाउस भी है। तो अभी हम पहले चलते हैं डाक बंगले में। हम लोग पहुंचे हैं गेस्ट हाउस पे। सो गाइस, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। ये है मेरे प्रणव जी, मेरे संग काफी इन्होंने एडवेंचर किया है। पहले भी हम लोग कई ट्रैकिंग पे कई बार हम लोग साथ गए हैं, आज फिर से मिले हैं एक बार। दूसरे मेरे फ्रेंड हैं यहाँ पे मनीष, जो काफी एडवेंचरस हैं। मेरे संग कई इन्होंने ट्रैक मेरे साथ किए हैं और कई बार हम लोग ले भी साथ गए हैं। चलिए फिलहाल अभी आगे चलते हैं। ये हम पहुंच गए हैं इस वक्त नंदौर रिवर पे। सारी जो बकरियां और भेड़ है वो जोरों को देख रही है। वहाँ पे सोच रही कि वुल्फ कहाँ से आ गया यार। आपको लड़ाई नहीं करनी बेटा उनसे, वो सब आपको देख रही ना, कह रही है वुल्फ कहाँ। नो नो, क्योंकि जूरो साथ में है ना, बहुत खतरा है जूरो के लिए क्योंकि अचानक मुझे दो
लेपर्ड दिख गए हैं। जीरो आगे मत जाना, बट ये हमारे रास्ते में ही बैठे हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। दो लेपर्ड है बिल्कुल हमारे सामने है, बिल्कुल जीरो के लिए काफ़ी खतरा है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत कर रहा हूँ आगे निकलने की। जंगल है, बहुत रिस्क है। गुड मॉर्निंग गाइस, रात को हम लोग यहाँ पे आए थे, यहीं हमने ये बहुत डेंस फॉरेस्ट के अंदर इस वक्त हम लोग हैं। जोरो मेरे साथ है, मेरे 3-4 फ्रेंड्स मेरे साथ हैं। हम लोग रात यहाँ रुके थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन माहौल बड़ा ऐसा लग रहा था कि बहुत डर का माहौल, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद ऐसे डेंस फॉरेस्ट के अंदर आया हूँ। तो मैंने गाड़ी यहीं पार्क कर दी रात में, यहीं हमारे टेंट लग गए थे, एक टेंट हमने सामने लगाया है, तो रात को ही इंजॉय करें। मेरे कुछ फ्रेंड्स बैठे हैं, आइए मिलाता हूँ आपको। हाय प्रणव, गुड मॉर्निंग। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, मजा आया ना? बहुत बढ़िया। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। आप लोग उधर वाले टेंट पे थे ना? रात मैं मुझे तो रात को इसके जोरों के वैसे यहाँ पानी के पास, जिसमें पानी की जरूरत पड़ती है ना, मजा आ रहा है ना। तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, और यहीं दिन में हमारा अभी किचन स्टार्ट होगा, और यहीं अपना कुछ बनाएंगे और फिर यहीं खाएंगे। और वैसे ही मन्नू भी हमारे साथ हैं, तो ये ऑलराउंडर शेफ हैं। तो नदी की आवाज़ है, रात भर कानों में इतनी अच्छी लग रही थी रात को, आवाज़ छल छल पानी की आवाज़। मैं एक बार आपको ले चलता हूँ उसी मुहाने पर जहाँ से पानी आ रहा। आइए ये देखिए, यहाँ पानी यहाँ से बह रहा है। अब हम लोगों का प्रोग्राम था कि हम लोग यहीं स्विमिंग करेंगे, नहाएंगे, बट इतना गहरा है और इतनी बड़ी मछलियाँ हैं इस नदी के अंदर, आदमी से बड़ी मछलियाँ हैं इस नदी में। इसको मछली वन के नाम से जाना जाता है। ये जंगल है ना, जंगल में सब कुछ होगा, जंगल है लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना। लेपर्ड यहाँ रात में हमने लेपर्ड देखे, टाइगर यहाँ पे है, बहुत सारे हैं यहाँ पे। अच्छा भैया, कभी ऐसा हुआ है कि आप ये रास्ते में ब्रेक डाउन हो गई है, आप जंगल में रात में अकेले हो और देखो आप फंस गए हो, और उसके बाद फिर आपको पता है कोई रेस्क्यू के लिए नहीं आने वाला है, आप इतने अंदर जा चुके हो कोर एरिया में? ऐसा होता है, जब भी सबसे पहले तो ये रहता है कि जब भी आप आते हैं फॉरेस्ट एरिया में, तो पहले तो परमिशन लेके आते हैं, तो फॉरेस्ट वालों को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। तो उनको मालूम रहना चाहिए कि आप जंगल के अंदर हो, आप कहाँ हो क्या, उनको आपकी लोकेशन पता रहनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि आपने पूछा मुझसे कि कई बार ब्रेक डाउन हुआ है, जब आप एक्सट्रीम ऑफ रोड करोगे ना तो ब्रेक डाउन तो होना ही होना है जी, मतलब कुछ ना कुछ बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कुछ ना कुछ, देखो गाड़ी है वो टूटेगा ही, आप कोई चीज़ पे जोर लगा रहे हो कुछ कर रहे हो, बट बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। आप देखो इसका इंजन बहुत पावरफुल है, टायर्स बहुत बड़े हैं, लेकिन जो बॉडी वेट है वो बहुत कम है, लाइट वेट है बिल्कुल, तो ये इजीली चले जाती है हर जगह, हर टर्न पे चली जाएगी। अब हैवी कर दोगे आप तो उसको दिक्कत। ये जो ब्रिज है पूरा लकड़ी का बना हुआ है, इसके नीचे बल्लियाँ लगी हैं लकड़ी की, बरसात में पेड़ गिर जाता है,
पेड़ों को यहाँ पे ऐसी पेड़ से ब्रिज बना दिया, उस पर लकड़ी के तख्ते थोप दिए। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाली है, अगर आप एक्सपीरियंस करोगे ना तो आपको और मज़ा आएगा। यहाँ से सीधे अगर नीचे गए तो सीधे खाई में, सीधे नदी में जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ आपको, जब हम लोग जंगल में आते हैं ना तो हम टायर प्रेशर कम कर देते हैं, उससे क्या होता है कि ये ईजिली एक तो झटके नहीं लगते, जितना टायर प्रेशर कम रहेगा या एयर कम रहेगी टायर में तो थोड़ा सा सस्पेंशन और बढ़िया काम करता है, तो आपको ना जर्क नहीं आएगा महसूस होंगे। अदरवाइज देखो ना हार्ड रोड है बिल्कुल, इसकी जैसे ये अपने ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर रही है, लग रहा है इसका टॉर्क भी काफ़ी ज़्यादा है। स्पेशली बना ही डिज़ाइन ही जंगल के लिए की गई है। देखो आप सोचोगे कि मैं स्टॉक गाड़ी को यहाँ लेकर आ जाऊँ तो वो पॉसिबल है ही नहीं, ऐसे जंगलों में आप स्टॉक गाड़ी लेकर आ ही सकते हो। और यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर है, आप पहुँच जाएंगे अपने डांग बंगले में। जंगलों में ना उनको डांग बंगला बोला था, डांग बंगला है। और ये ब्रिटिशर्स के टाइम से शायद ये उनके यही नाम दिया गया था उनके द्वारा ही। हाँ उन्हीं के टाइम से मेरा बार बार मन करता है कि मैं यहीं आऊँ जंगल में, नेचर के साथ जुड़े रहने का मन करता है हमेशा। आप पेड़ को देखो खाली, क्या मज़ा आ रहा ना, मज़ा कहाँ है कौन सी दुनिया में। ये आप देखो पूरा बांस का बना हुआ, वुडन बना हुआ, कितना खूबसूरत लग रहा है। चलते हैं डाक बंगले के अंदर, यानी कि फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के अंदर। चलिए दिखाता हूँ आपको एक बार गेस्ट हाउस की, गेस्ट हाउस कैसा है, मैं ले चलता हूँ आपको सीधे। ये पुराने बंगले रहते हैं लेकिन इसका तो रेनोवेशन हुआ है काफ़ी। ये लिविंग रूम, ये रहा बेडरूम, एक बेडरूम ये रहा। आप बाहर भी बैठ सकते हैं आराम से। अब हम वापस जा रहे हैं और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एडवेंचर विद मोई भैया।